हेलो दोस्तों, मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूं, और आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो मैंने अभी हाल ही में देखा है। एक प्यारी सी खूबसूरत लव स्टोरी। जय श्री कृष्ण पापा। इनसे मिली है, ये है रुपेश पटेल, करोड़पति नानजीभाई पटेल के इकलौते बेटे। दिखने में तो ये हीरो हैं, पर दुनिया की हर प्रॉब्लम का जवाब इनके पास है। पूछो कैसे? अरे हाँ, तू चिंता मत कर, हो जाएगा, बद्दू थई जैसे। भाई मानना पड़ेगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन हाथ हिलाकर दे देता है। ये निराली आदत उसको अपने बाप से विरासत में मिली है। और ये हैं अदिति सुब्रमण्यम। नाम सुनते ही लगता है ना कि टिपिकल रिजर्व इंट्रोवर्ट लड़की है, मगर मैं आपको बता दूं कि आज की सुपर कॉन्फिडेंट, सुशील, संस्कारी और एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाली लड़की है। अदिति को ये कल्चर और वैल्यूज अपने माँ बाप से विरासत में मिली है। गुड मॉर्निंग अप्पा। अम्मा टिफिन रेडी ना? अरे हाल हाल मुकी दे अवे, पछी करू तने। हाय आदिति। रुपेश। हाँ क्या हुआ आदिति, वाई सो सीरियस? नहीं, वो अम्मा और अप्पा तुम्हारे घर आ रहे हैं ना। हाँ तो? मुझे बहुत डर लग रहा है रुपेश, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अप्पा बहुत सिंपल है, सिर्फ मुझे खुश देखना चाहते हैं। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैंने मेरे पापा से बात कर ली है, वो सब हैंडल कर लेंगे। तू मेरे पापा को जानती नहीं, मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। तू बस शादी की तैयारी कर। हेलो। हाँ तू उसको अपना रेट देना, वो पक्का आएगा। हाँ हाँ पक्का आएगा। अरे नहीं आएगा तो देखा जाएगा। तू चिंता मुकी दे, उसको रेट दे। अब तू बद्दू थई जैसे, मैं बोल रहा हूँ ना, तू चिंता मुकी दे, बद्दू थई जैसे। ओके ओके। मोटा बेन, ओ मोटा बेन, आ बधू सेट छे ने? रवा दे, उड़ उड़ायो ना था। इनसे मिलिए, ये हैं भानुमति पटेल, नानजी भाई पटेल की बड़ी बहन। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, बात बात पर छिड़ जाती हैं, और किस वक्त कौन सी बात करनी है मानो इन्हें पता ही नहीं है। नानजी भाई की पत्नी का जब देहांत हुआ तब रुपेश 10 साल का था, और तब से उसकी परवरिश की जिम्मेदारी इन्होंने ही तो ली है। आइए आइए समधि जी। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। ये हमारा घर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं नहीं, आप तो बहुत फेमस है इस लोकेलिटी में, घर काफी अच्छा है आपका और बड़ा भी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, तुम हमारा राजकोट का घर देखोगे ना तो तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करेगा। नमस्ते, मैं रुपेश की फाइबा। फाइबा? रुपेश फादर, सिस्टर। अच्छा आप रुपेश की बुआ हो, नमस्ते। अच्छा नमस्ते।
रुपेश को मैंने ही बड़ा किया है। आपका नाम क्या है? महालक्ष्मी सुब्रमण्यम। और आपका भाई साहब? कृष्णन, कृष्णन सुब्रमण्यम। ये आप लोग में क्या भगवान के ही नाम रखते हैं? जैसे कृष्ण, जैसे कृष्ण। अरे कृष्णन भाई, बातें तो होती रहेंगी, थोड़ा अभी पेट पूजा कर लेते हैं। लाओ भाई ये स्नैक्स विक्स का क्या अरेंजमेंट है, लाओ मंगाओ मंगाओ। भाई साहब आप तो जानते ही हैं हम क्यों आए हैं। आजकल का जमाना भी क्या है, बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर ली है, अभी हमें शादी की तारीख ही पक्की करनी है। शादी की तारीख? अरे वो तो होती रहेगी, उससे पहले तो आजकल की वो फैशन है ना, प्री वेडिंग सूट, उसको फिक्स करना है, और उसके बाद तो मेहंदी, संगीत, वो सब। बरोबर की दूने नानू? बिल्कुल सही है। रुपेश हमारा एक ही बेटा है, शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए, क्या बोलते हो कृष्णन भाई? हमारे साइड में ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं तो देख लेते हैं। इन सब चीजों में लगभग कितना खर्चा आएगा? खर्चे की चिंता आप मत करो, नानू है ने, वैसे भी वो आपके बस की बात नहीं है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, ये खर्चा हमारे हिस्से आता है ना, तो हम करेंगे, बराबर छे ना नानू? कृष्ण भाई आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा, बद्दूच थे जैसे, घर की बात है। अदिति वन ग्लास नीर तकोंड बा अम्मा। How was the meeting, अप्पा? अच्छा था बेटा, अच्छे लोग हैं तुम्हारे इन-लॉज। तुम प्री वेडिंग की शूट के लिए तैयारी करो। महालक्ष्मी वो अपने आप को समझती क्या है? ये भी कोई तरीका है बिहेव करने का? घर में आए मेहमान के साथ ऐसे तरीके से कोई बात करता है? अब बस भी करो महालक्ष्मी, इस बात को यही खत्म करो। अदिति की शादी हो रही है, बी हैप्पी। फिर भी हमारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? प्लीज महालक्ष्मी अब बस भी करो। हाँ सरी सरी, बी हैप्पी कि अपनी बेटी खुश है। हाँ हाँ, भानुमति पटेल ये भी कोई नाम है। अप्पा क्या हुआ, व्हाई इज अम्मा सो अपसेट? कुछ नहीं बेटा, और रुपेश की बुआ थोड़ी इरिटेटिंग और क्रेजी नेचर की है, मुफट है, कुछ भी बोल देती है। तुम अपनी फ्रेंड लैला के साथ प्री वेड की शूट तैयारी करो। ओहो वेलकम रुपेश भाई, कैसे हो? बस परफेक्ट सर। वेलकम टू ट्रॉपिकल रिट्रीट। थैंक यू सो मच। हाय रिति, हाउ आर यू? आई एम गुड। आओ आओ, इसको अपना घर समझो एंड हैव अ नाइस टाइम, कम। लाइट्स कैमरा एक्शन। ये मेरी जिंदगी है और आज मैं बहुत खुश हूं। अब इस कहानी को रंगीन बनाने के लिए आ रहे हैं द वन एंड ओनली डब्बू माली। सामान निकाल डिक्की में से। मैं नहीं निकालूंगा। तो ऑस्कर हेड जाए तो सारा सामान तू निकालेगा, तेल से आया तो मैं निकालेगा। चलेगा।
तुम लोग दोनों चुपचाप सामान निकालते हो क्यों? दोनों को घर भेज दूं? बड़े आए हीरो बनने। ये एक जाने माने डायरेक्टर हैं। रोमांटिक मूवीज बनाना इनकी स्पेशलिटी है। रिश्तों की गहराई को समझाना और दर्शाना इन्हें बखूबी आता है। पूरी तरह से फोकस्ड, क्रिएटिव और इनोवेटिव है, इसीलिए इनकी इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। साला नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करता है, छोड़ यार जेट। हाय लैला। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अकेले यहाँ क्या कर रही है? बस रुपेश यहीं कहीं गया है, आ रहा होगा। ओके ओके। क्या यार, सुबह से शाम हो गई, अब तक तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं आए? एक टाइम तो हो गया है, आते ही होंगे। ओए रुपेश, बोलो आ गए। ये मेरा दोस्त लकी। नमस्ते भाभी जी। ये उनकी वाइफ लवली। हाय। सैंडियोर में लास्ट ईयर इन्हीं की शादी में गए थे एंड ट्रस्ट मी, वी एंजॉयड अ लॉट। अरे उस दिन मेरे भी एंजॉयमेंट की आखिरी रात थी यार। ओए होए 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 होए, शादी के बाद तो आप दुखों का पहाड़ टूट पे गए। अरे कुछ नहीं कर ली। छोड़ो वो सब, छोड़ो। बाय द वे, ये मेरा दोस्त सैंडी है, इसके बारे में कुछ ना बोलूँ ना तो ही अच्छा है। क्या है यार तू भी। हाय अति। तुम्हारी फ्रेंड है क्या? या, दिस इज लैला। हाय लैला। हाय। बहुत ब्यूटीफुल है अदिति, थोड़ी साड़ी विच पिक्स देखी थी मैंने, यू वर लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। ए जी उजी, सुनिए जी। हाँ जी। अपनी शादी विच मैंने कैडी साड़ी पहनी सी, तोड़ू याद है? अरे पगली, जो खुदकुशी करने ट्रेन के पटरी पे जाता है वो थोड़ी याद रखता कि ट्रेन शताब्दी है कि राजधानी। ओहो, छड़ो तुसी भी। चलो यार टाइम हो रहा है, तैयारी करते, शूट पे मिलते। भाई मानना पड़ेगा यार, तेरी और भाभी की जोड़ी जबरदस्त है यार। मेरे से तू और टिप ले ले, तुझे अगर कभी लगे ना कि तेरा झगड़ा हुआ है तो तेरी गलती है तो चुपचाप सॉरी बोल देना, लेकिन तुझे लगे तू सही है और वो गलत तो फिर। अरे तो, अरे बताना तो भी चुप बैठना। ये सब छोड़ो यार, तूने नोटिस किया जरा मुझे स्माइल दे रही थी, ये नहीं सुधरेगा। कहाँ खो गई हो अदिति? रेडी? नो नॉट येट। नर्वस? हाँ। हैपेंस, ऐसा होता है, टेम्परेरी फेज है, बाद विच सब नर्वसनेस और टेंशन रुपेश नु होनी है, सो चिल कर। वो कैसे? ले लो कर लो गल, अब तक गूगल बेबी भी नहीं जान पाया कि व्हाट डू वुमेन वांट, तो फिर ये बेचारे मर्द क्या चीज है। चलो लेट्स गेट यू रेडी। ओके। कैसी तू लैला? हाय, हाउ आर यू? हाय। नाइस नेम लैला। थैंक्स। माय फ्रेंड्स कॉल मी मजनू। Very bad joke. Yeah, I know. Bye. Okay, now, so let me explain the scene to you. आपको यहाँ से slow इनके तरफ दौड़ के आना है, and you also have to run towards her slowly. Okay? It should look like you are both slowing towards each other. Okay? Action. ओ करम खुदाया है। इसके लिए कुछ है क्या तेरे पास? ये सुनना। जोर का झटका है जोरों से लगा तो लगा। ओके, सो इन दिस सीन वी आर शोइंग, कैन यू प्लीज स्टैंड हियर? ओके। अदिति, यू हैव टू होल्ड द टाई एंड एज इफ यू आर फ्लाइंग। ओके, यू हैव टू शो इट एज इफ यू आर फ्लाइंग। कम ऑन, लेट्स टेक, लेट्स डू इट। कम ऑन। क्या कर रहा है ये? देख क्या कर रहा है, बता दो जरूर। ये देख, कम ऑन आकाश। या बन गया कुत्ता, देखो बन गया कुत्ता, देखो भौ भौ कुत्ता, देखो बन गया कुत्ता। जय वीरू, रुपेश के दोस्तों को यहां बुला के लाओ।
आपको बुलाया उन्होंने डायरेक्टर। बुली जी बहुत हंसी आ रही है तुम लोग को, एक काम करते हैं पहले हंस लेते हैं। हंसो। किसी ने सच ही कहा था, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, पर हमारे डब्बू माली ने भी मौके पे चौका मार दिया। रुपेश के साथ एक शर्त रखी थी, शूटिंग सुबह तभी शुरू होगी जब फ्रेंड्स साथ नहीं होंगे। बेचारा रुपेश फिर बोला, हाँ सर बद्दू थे ही जैसे। Hi darlings, hey gorgeous, the sun is shining, the cupids have descended from the heaven to spark the love between the lovebirds, come let's spread the love. Hey mausi ji kidhar ja rahe ho mausi ji, shooting kar lo hai bye bye. तने कोई नहीं नजर ना लागे। फैबा आप यहाँ, आपको यहाँ कौन लाया? अरे तने मनवा आवी थी, नाराज ना था, जाऊ छु। मैडम जी शूटिंग चल रही है। ए डेबुड़ा किधने जाऊ छु? डेबुड़ा मी? ओके देन बोथ ऑफ यू रेडी नाउ? Ready? Yeah, you're ready? Yes, completely. Okay, Aditi, right? Aditi, you're there? I'm sorry. Sure? Aditi, you fine? Can you just give us a few minutes? Yeah. Yeah. Okay. Okay. What's your problem, Aditi? My problem? My problem is that कि तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो as if कुछ हुआ ही ना हो? So, bua is your problem? Come on, Aditi, grow up. वो थोड़ी टिपिकल है, शादी होते ही वो रात को चली जाएगी। तुम मेरे लिए इतना भी एडजस्ट नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है रुपेश। रुपेश बुआ को मैं पसंद नहीं हूँ, उन्होंने मुझे अक्नॉलेज भी नहीं किया। उस दिन उन्होंने अम्मा अप्पा के साथ भी ढंग से बिहेव नहीं किया था। यू नो वॉट, जस्ट फॉरगेट इट, लेट्स जस्ट गो एंड शूट, रहने दो। बट एक चीज़ है, अगर बुआ ने मुझे कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा सच्ची कोई नहीं होगा। अरे बद्दू थई जैसे सर, आप शूटिंग शुरू करो। डोंट वरी डार्लिंग, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, टेक इट इजी। ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट। या ओके। अरे मेरे बेटे को कोई पानी तो पिलाओ, मेकअप दादा टचअप करो, देखो रुपेश को कितना पसीना आ गया है। अरे बुआ तू बेसी जाने पड़। बैठती हूँ। ए डेबुड़ा, मुझे सबसे बेस्ट प्री वेडिंग शूट चाहिए। आई नो माई जॉब। ओके problem, one more time, okay? I want perfect take, okay? Yeah. Please, action. Come on, Aditi. ये मावड़ी, तू एक सीन खत्म करने को इतना टाइम लगाएगी तो पूरा शूट खत्म होते होते 15-20 दिन निकल जाएंगे। ये आजकल की लड़कियां ना पता नहीं क्या सोचती रहती हैं। जल्दी करो, 2 दिन का ही टाइम है अपने पास। वैसे भी मेरे नानूड़े के कितने पैसे लगे हैं। बुआ जी प्लीज प्लीज, शूटिंग चालू है। इनफ इज इनफ, आई रियली कांट डू दिस एनी मोर, लेट्स जस्ट कॉल इट ऑफ। क्या क्या बोल रही हो अदिति?
वी लव इच अदर। हमने कितने सारे सपने साथ देखे हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। है गमों के सख्त पहरे मेरी हर खुशी के पीछे, मुझे क्या सजा मिली है तेरी आशिकी के पीछे। रुपेश, रुपेश, yes, sir. क्या हुआ मुझे बताओ रुपेश। क्या बताओ, तुम अतिथि को कितना चाहते हो रुपेश? आदिति मेरी जिंदगी है। Sure you want to marry आदिति? उसके बिना मेरी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं। Don't worry, I'll talk to आदिति. Yeah? Okay? Don't worry. अदिति, अदिति, मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। Just leave me alone. Yes, I will, but not before you hear me out. Please. तुम्हें रुपेश से शादी नहीं करनी है, right? मत करो शादी। वैसे भी ऐसे इंसान के साथ क्यों जिंदगी बिताना, जो पढ़ा लिखा हो, अपनी और तुम्हारी परिवार का इज्जत करता हो, और जिसका जिंदगी में एक ही सपना है कि वो तुम्हें खुश रखे। मत करो शादी। रुपेश की बुआ को यह आना ही नहीं चाहिए था। वो चाहती तो शादी करके अपनी जिंदगी सवार सकती थी, पर उसने रुपेश को एक माँ का प्यार देके उसे इस काबिल बनाया। रुपेश की बुआ का एक ही सपना है कि रुपेश की शादी धूमधाम से हो और वो राजकोट चली जाए। और अगर वो रुपेश को लेके पॉसेसिव है तो तुम्हें तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट? बड़े होने के नाते अगर उसने तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम्हें तो बुरा लगेगा ही, बिकॉज यू आर दी अदिति सुब्रमण्यम, राइट? रिश्तों की अहमियत जिस दिन समझोगी ना, अपने इस फैसले, इस डिसीजन से पछताओगी। हर रिश्ते को देखने का एक नजरिया होता है। हम सब अपनी स्वार्थ, अपनी खुशियों के लिए रिश्तों का गला घोट देते हैं। लोग गलत नहीं होते हैं, अक्सर रिश्तों के वजह से गलत फहमियां पैदा होती हैं। सच्चे मन से, प्यार से अगर किसी रिश्ते को निभाओ तो वो रिश्ता सदा बरकरार रहता है। एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर। गिव योर माइंड, हार्ट एंड सोल टू एनी रिलेशनशिप।
life will be easy and happy. Mark my words, Aditi. Mark my words. Yes, sir. आपके नजरिए से देखती हूँ तो रिश्तों की अहमियत समझ आ रही है मुझे। ए डेबुड़ा, देखा मेरे होने वाली बहू कितनी समझदार है। मैं भी तो यही देखना चाहती थी। रवा दे, खुश रहे बेटा। चलो अभी शूटिंग पे जल्दी लगो, 2 दिन का टाइम है और वैसे भी मेरे नानुड़े के बहुत पैसे लग गए हैं। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सुना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं ज़र्द सितारा।